गाजियाबाद से अतुल गर्ग आज नामांकन भरने वाले हैं। गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग और नामांकन में राजनाथ सिंह इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। घंटाघर रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे अतुल गर्ग भी और इसके साथ ही राजनाथ सिंह जो यहां पर मौजूद रहने वाले हैं इस दौरान उनके साथ। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी कड़ी में अलग अलग जगहों पर जनसभाएं रैलियां लगातार जारी है और पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में झोंकी हुई है। तो नामांकन भरने वाले हैं आज बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग और यहां पर राजनाथ सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और आज चूंकि नामांकन भरा जाना है पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजनाथ सिंह है, तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर लगातार वो जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज पहुंचने वाले हैं गाजियाबाद, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग आज नामांकन भरने वाले हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं अमित राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आज नामांकन भरेंगे अतुल गर्ग यहां पर और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रचार तो उसके बाद शुरू होगा लेकिन आज कह सकते हैं कि यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा नामांकन भरने के दौरान। अमित, बहुत वाली बात जिस तरीके से अतुल गर्ग जो कि यहाँ से मौजूदा विधायक भी रहे हैं शहर सीट से, उन्हें ही सांसद का टिकट मिला है, लोकसभा प्रत्याशी उन्हीं को बनाया गया है। इसी कड़ी में आज राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और यहीं से एक जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें कि राजनाथ सिंह आ रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, सतपाल जी महाराज जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और चौधरी क्षेत्रीय अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये शक्ति प्रदर्शनी कहा जाए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़े बेल्ट माना जाता है जाटों की, उनको लुभाने के लिए जैसे कि आरएलडी से भी गठबंधन हुआ उसके बाद से लगातार जो रैलियों का दौर है, जो जनसभाओं का दौर है वो जारी है। और आपको बताना चाहूंगा सेकंड फेज में गाजियाबाद में चुनाव होने हैं और गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं अतुल गर्ग को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है जो कि मौजूदा सीट से शहर सीट से विधायक भी है। इसी कड़ी में आज यहाँ आने वाले तकरीबन बताया जा रहा है कि 10:30 से 11 बजे करीब यहाँ पर राजनाथ सिंह जी पहुंचेंगे जो रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में, और तमाम तैयारी यहाँ कर ली गई है, चाहे वो एलआईयू के लोग हों चाहे पुलिस प्रशासन हो, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं क्योंकि कोई भी कोताही यहां नहीं बरती जाएगी। रामलीला का ग्राउंड है, घंटाघर का रामलीला ग्राउंड है जहां पर एक जनसभा को यहां संबोधित करने वाले हैं। अंदर भी इसमें दिखाना चाहूंगा आपको, देख सकते हैं कि तमाम तैयारी किस तरीके से पूरी की गई है, मेटल डिटेक्टर यहाँ लगाया गया है, एलआईयू की टीम यहाँ पर है और देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग तमाम इकट्ठा है और यहाँ लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियां आदि भी लगा दी गई है और सामने ही एक मंच भी है, उस मंच से ही माने राजनाथ सिंह जो है लोगों को संबोधित करने वाले, एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि जो समय है कैसे जो समय है वो समय बताया जाए तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में यहाँ पहुंचेंगे एक जनसभा को संबोधित करने। बिल्कुल, तो भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रचार के साथ साथ नामांकन चूंकि भरा जाना है आज, तो ऐसे में शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अमित राणा, आपने विस्तार से जानकारी दी। दिन भर का अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।